पहला लेना है आटा और आटा को गूंदना है जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं। कढ़ाई में रखना है हमें पानी। आटा को फाइनली हमने गूंद के रख लिया है। जब तक पानी उबलेगा तब तक हम ऐसे ऐसे बना के रख देंगे। हमें इस तरह उबलता हुआ पानी में ढालना है। जितना मैंने आटा गुना था फाइनली सबका मैंने ये बना दिया। आला को छौंकने के लिए ये मैंने काटा है एक प्याज और ये है हमारा संडे स्पेशल नाश्ता। और हेलो दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरी ब्लॉगिंग की हो रही है शुरुआत। आज मैं बना रही हूँ एक रंग पार्टीज और आप भी देखिए और बने रहिए वीडियो में। पहला लेना है आटा और आटा को गूंदना है जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं। कढ़ाई में रखना है हमें पानी। आटा को फाइनली हमने गूंद के रख लिया है। अब करेंगे हम पानी का उबलने का इंतजार। जब तक पानी उबलता है तब तक हम इसे पतला पतला ऐसे बना के रख देते हैं। फिर हमें ढालना है उबला हुआ पानी में। इतना सारा मैंने हाथ से बना दिया है और यहाँ पानी भी उबल गया है और अब हम ढालेंगे उबलते हुए पानी में। हमें इस तरह उबलता हुआ पानी में ढालना है। उबलता हुआ पानी में हमें ऐसे ढालना है इसे और हम आँच सिम कर देंगे और हम बनाएंगे जितना हमारा आटा बच रखा है उससे भी हम बना लेंगे। जितना मैंने आटा गुना था फाइनली सबका मैंने ये बना दिया है। इसके बाद इसे ढंग से उबालना है। आला को छौंकने के लिए ये मैंने काटा है एक प्याज और ये है 2 टमाटर, ये है कुछ लहसुन की कलियां और इससे हम बनाएंगे ग्रेवी। ये सुंदर कला हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसको छाने, इसे पकाना बहुत ही अच्छे से है, इसे कच्चा नहीं करना है वरना इसका स्वाद आएगा बहुत ही ख़राब। और इसे ऐसे ही उबाल आने तक पकाना है। अब मैंने छन्नी वाले परात में छान लिया है इसे सुंदर कला को। पे तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब करना है प्याज को फ्राई। अब हमें करना है अच्छे तरह से इसे मिक्स। अच्छे से हमने मिक्स भी कर दिया है। फाइनली ये हो चुका है तैयार सुंदर कला। क्यों मैं अपने हस्बैंड को ये सुंदर कला। ये है हमारा संडे स्पेशल नाश्ता और आप भी देखिए और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। खाने में होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बनाना ना भूलें।